बच्चे को बोलिए कि ऐसा करते हैं कि जो भी खाएंगे शुरू से खाएंगे, तो सेब खाना है या भाजी खानी है, तो चलो वो जहाँ होता है वहीं से लेकर के आते हैं। हुँ? तो भाजी ज़मीन से तोड़ी जा सकती है, सेब पेड़ से लिया जा सकता है। हुँ? फिर उसको कहिए कि अब ये बकरा है, ये जिंदा बकरा है, घूम रहा है, चलो इसे खा जाओ, वो समझ जाएगा। भाई आप जब ताज़ा सेब खाते हो तो और आनंद आता है ना कि नहीं आता है? खुद पेड़ से तोड़ा और खुद खाया, तो उसी तरीके से बकरा भी ताज़ा खाओ ना, खुद अपने हाथों से मारो और फिर खाओ। अगर खाना ही तो खाओ, डब्बा बंद माल नहीं चलेगा। डब्बा बंद माल तो झूठ है, वो सारी बर्बरता और क्रूरता छुपा जाता है वहां, तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि पीछे कितनी खून भरी कहानी है। अपने हाथों से मारो, अपनी आंखों से देखो, और अपनी आंखों से देखना काफी नहीं है, मैं कह रहा हूं अपने हाथों से इसकी गर्दन दबाओ और फाड़ो इसको और फिर खाओ। वास्तव में हमारे पास तो वो नाखून और उंगलियां भी नहीं है कि हम खा सकें, और इसी से साबित हो जाता है कि मांस खाना स्वभाव तो नहीं है हमारा, प्रकृति भी नहीं हो सकती हमारी। शेर मांस खाता है तो उसके पंजों में इतनी जान होती है कि वो भैंसे को फाड़ डालता है, और फिर उसके दांतों में इतनी जान होती है कि वो मांस को उखाड़ डालता है, चबा डालता है। आपको दे दिया जाए भैंसा, किलो ये भैंसा खाओ, आपको और एक भैंसे को कमरे में बंद कर दिया गया है कि लो खाओ, और दूसरे कमरे में शेर और भैंसे को बंद कर दिया गया है। आधे घंटे बाद दोनों कमरों के दरवाजे खुलते हैं, एक से शेर निकलेगा, एक से भैंसा निकलेगा, क्योंकि शेर तो खा जाएगा भैंसे को, और भैंसा आपकी ऐसी मरम्मत करेगा कहेगा आखा। लेकिन वही भैंसे का मांस जब डब्बे में आता है तो आप कहते हैं लाओ भाई इधर लाओ, तो बीफ है, कुछ नहीं है, इससे तो अभी हम बर्गर बनाएंगे, जाओ उसको मार के दिखाओ ना। प्रकृति में तो कोई जानवर डब्बा बंद मांस नहीं खाता, जिसको खाना है वो शिकार करे, तुम भी करो ना शिकार करके दिखाओ। गेहूं तुम पौधे से तोड़कर खा सकते हो, खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो? सेब भी खा सकते हो, चावल भी खा सकते हो, सारे फल सारी भाजियां खा सकते हो, लेकिन एक छोटा सा मुर्गा भी अपने हाथ से मारकर खाना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। बच्चा समझ जाएगा। सब समझ समझाना होगा धीरे धीरे। देखिए टीनेजर्स में अलग दिखने की भी तो प्रवृत्ति बहुत होती है ना, वी वॉन्ट टू लुक, ठीक है अच्छी बात है, आप वीगन हो जाइए, यू आर ह्यूजली डिफरेंट नाउ। उनको तो बस ये बताना है कि कूल क्या है, जो कुछ भी कूल है वो पकड़ लेंगे। आप ये बताएंगे कि कुछ गलत है या इमोरल है, अनैतिक है, तो आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप उनको बताइए अनकूल है, मांस अनकूल है, वो फिर कहेंगे बिल्कुल ठीक, जो मांस खाए वो अनकूल, अनकूल। न्यू ट्रेंड, इट्स ट्रेंडिंग, हैशटैग वीगन। जानवरों की जान बचानी हो तो हैशटैग वीगन, बस यही बचा सकता है। आप उनको अहिंसा पढ़ाएंगे तो वो नहीं सुनने वाले, वो कहेंगे पुराने जमाने की बात, अहिंसा वगैरह क्या होता है, हटाओ, हैशटैग वीगन, बस इससे चलेगा काम। और इतना ही नहीं, फिर आपको बिना दूध की अच्छी मिठाइयाँ बनाना सीखना होगा, क्योंकि आप उनके मुंह से रसगुल्ला छुड़ा रहे हो, गुलाब जामुन छुड़ा रहे हो, जितनी मिठाइयाँ होती हैं छुड़ा रहे हो, बदले में क्या दे रहे हो? तो फिर आप सीखिए कि बिना दूध की बढ़िया स्वादिष्ट मिठाइयाँ कैसे बनेंगी, खीर कैसे बनेगी बिना दूध के,
बन सकती है और बहुत सुंदर बनेगी, पर वो आपको बनानी सीखनी होगी। और फिर जब उनको स्वाद लेकर गए तो दूध वाली तो बेकार, ये अच्छी है खाओ ना, और उसमें आप कुछ धांधली कर लीजिए जो दूध वाली हो जानबूझ के कर, जो बिना दूध की उसमें और आप काजू किशमिश जितने अखरोट सब डाल दीजिए, देखो बिना दूध की ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसे ही चलेगा, बेवकूफ़ों के साथ थोड़ी तो युक्ति लगानी पड़ती है। तो ये सब कुछ खाना भी तुमने कहीं सीखा था ना बेटा, ऐसा थोड़ी है कि अवॉइड करके जियोगे नहीं या कुछ कमी आ जाएगी। जाके गाय से पूछो, घी एंड बटर इज लाइक। एक जो वायरिंग और कंडीशनिंग जो हमें पता है कि हमारी वो रखी है, और आपको सुन के पढ़ के और भी ओशो को सुन के पढ़ के एक थोड़ी स्पिरिचुअल कंडीशनिंग जो हो गई है, अब कुछ उस पुरानी कंडीशनिंग से उठता तो ये कैंसल आउट करती है कि व्यर्थ है, इस कंडीशनिंग से उठता है तो वो कैंसल आउट करती है व्यर्थ है, इधर द्वंद्व के बीच में। नहीं, अगर पूरी तरह कैंसल आउट ही कर रही है तो अच्छी बात है, कुछ नहीं बचेगा, सुंदर है। नहीं, पर वो ख़त्म नहीं हो रही है ना पहले वाली, तो फिर इधर वाली बढ़ाओ। जब उद्देश्य ये है कि ये इसको ख़त्म कर दे और ये इसको ख़त्म कर दे और मैं आज़ाद हो जाऊँ, तो जिसका पलड़ा कमज़ोर पड़ रहा हो, हल्का पड़ रहा हो, उसका साथ दो, फेवर द अंडरडॉग। जब पदार्थ की दुनिया बहुत ललचाने लगे तो अध्यात्म याद कर लो, और जब अध्यात्म के सिद्धांत और श्लोक बिल्कुल दिमाग में गुनगुन गुनगुन करने लगे तो थोड़ा पदार्थ याद कर लो, दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तुम उड़ जाना। क्योंकि बेटा आदमी तो दोनों ही है ना, अभी इन्होंने तो पूछा था कि क्या ये संभव है कि बुद्ध और बुद्धू वही बंदर एक साथ पाए जाते हो, तो मैंने क्या कहा था, हम हैं तो प्रमाण, हम दोनों हैं, हम धरती भी हैं और आकाश भी हैं, हम पदार्थ भी हैं आत्मा भी हैं, और कोई एक बनकर तुम नहीं जी सकते। तुम कहोगे मैं आत्मा मात्र हूं तो झूठ बोल रहे हो, तुम कहोगे मैं पदार्थ मात्र हूं तो नरक खड़ा कर रहे हो, तुम दोनों हो। किसी का भी पलड़ा हावी ना होने दो। स्पिरिचुअल कंडीशनिंग अच्छी लगती है, क्योंकि शायद वो भी एक कंडीशन। अरे इज्जत मिलती है उसमें, उसमें बेइज्जती होने लगे तो बुरी लगेगी। बाबा जी बन के खड़े हो जाते होंगे कहीं ऐसे, तो लोग नमस्कार करते होंगे, यही सब बाबा जी लोगों की चप्पल से धुलाई होने लगे, सारी स्पिरिचुअल कंडीशनिंग उतर जाएगी।